तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। उन्होंने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का हो जाता है और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि करेगा ठीक है तो बाहर कर दो करता तो है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। आ करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। आ करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उसे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। आ करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.